सीरियल गुम है किसी के प्यार में भाविका शर्मा और शक्ति अरोड़ा की जोड़ी नजर आ रही है। 20 साल के लीप के बाद कहानी सभी और ईशान की जिंदगी पर आ गई है। सीरियल में सभी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है और इसके लिए वह ईशान के भोसले इंस्टीट्यूट में एडिशन लेने की कोशिश में लगी है। गुम है किसी के प्यार में के बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि सभी एडमिशन के लिए ईशान के पैरों में गिर जाती है। तब ईशा मैम वहां पहुंचती है और सबकी बैंड बजा देती है। सीरियल का ये ड्रामा अपकमिंग एपिसोड में भी देखने के लिए मिलेगा। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि ईशा मैम सभी को बोलती है कि वह ईशान से पूछे कि सारे टेस्ट देने के बाद भी उसका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। सभी शांत रहती है, तब वह खुद ईशान से सवाल करती है। इतना ही नहीं, वह राव साहिब से भी बोलती है कि क्या कॉलेज में पैसों की इतनी दिक्कत आ गई, जिस वजह से एक मिडिल क्लास लड़की को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। वह राव साहिब को तानाशाह भी कहती है। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि शांतनु भोसले ईशा को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं होती। इस दौरान ईशान का गुस्सा भी फूट पड़ता है और वह अपनी माँ को जवाब देते हुए कहता है, आपकी स्टूडेंट को कॉलेज में इसलिए एडमिशन नहीं मिला क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई। 11 बजे तक आखिरी टाइम था। इसके अलावा आपकी स्टूडेंट अपनी ही शादी से भाग कर आई है, अपनी ताई की चूड़ियाँ चोरी की हैं। इन बातों को सुनकर ईशा मैम कॉलेज का टाइम 5 बजे तक होने के बाद भी सिर्फ 11 बजे तक टाइम देने पर जवाब मानती है। इन सब चीजों के बीच सभी भी चुप नहीं रह पाती। गुम है किसी के प्यार में आगे देखने के लिए मिलेगा कि सभी सीधा हरिणी को फोन लगाती है और तब ईशान को पता चलता है कि सभी ने चोरी नहीं की। सभी यह भी बताती है कि उसकी शादी एक शराबी से करवाई जा रही थी और इसी वजह से वह घर से भाग गई। ये सब बातें ईशान की बोलती बंद करने के लिए काफी थी। इस पूरे तमाशे के बाद शांतनु सभी का एडमिशन करने का फैसला लेता है, जिस पर सभी झूम उठती है। सीरियल में आगे ईशा मैम सभी को बताती है कि उसकी आजी की मदद से ही वह ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर आई है। सीरियल में आगे ये भी दिखाया जाएगा कि ईशा मैम शांतनु से मिलती है। तब शांतनु ईशा को बताता है कि ईशान का साखर पूरा टूट गया है, जिसके बाद से ही वह परेशान रहने लगा है। वह कहता है, अगर तुम यहाँ होती तो शायद उसे दर्द नहीं होता। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।